हेलो एट्स क्लास, मैं रचना राणी, तुहाडी अपनी मैथ टीचर। एक्सरसाइज 3.3 दा क्वेश्चन नंबर 5 लैके हाजिर हाँ। तो 5th क्वेश्चन साडा हैगा, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। किसी समान अंतर चतुर्भुज के लागमी कोणों का अनुपात 3:2 है। समान अंतर चतुर्भुज के सारे कोण पता करो, ठीक है। सो एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम बना ली, ठीक है। इहदा नाम रख लैने, इहदा नामकरण कर लैने आ, ए बी सी ते डी। सानू की दित्ता होया कि समान अंतर चतुर्भुज हैगी आ, पैरेललोग्राम साडे कोल हैगी आ, उहदे दो कोण है ना, उहनां दी रेशो दित्ती आ। रेशो किहनी दित्ती आ? 3:2। तां असीं जिहड़ी सर रेशो हुंदी असीं उहनूं एक्स नाल रख लैंदे ना। मान लो एक कोण जिहड़ा 3x ते दूजा कोण 2x, है ना। इत्थों शुरू करदे आ। मान लो चतुर्भुज दा एक कोण बराबर 3x, ते मान लो चतुर्भुज दा दूजा कोण बराबर 2x, ठीक है। ते हुण जिहड़े लागमी कोण हुंदे आ, मैं रेशो सी कर ली, उस तो बाद उन्हें इत्थे कुछ रख्या लागमी कोण, यानी कि एडजेसेंट एंगल, है ना। एडजेसेंट एंगल केड़े हुंदे? मतलब कोई भी लाइन है, इहदे दो सिरे आ, दो अंत बिंदु है, है ना। जे इत्थे एक लाइन बनी, एक इधर लाइन बन गई, इहदे दोनों एंड पॉइंट ते, तो ये दोनों एंगल जिहड़े आ ये लागमी कोण, ठीक है। एक चतुर्भुज दे विच जां किसी भी बहुभुज दे विच लागमी कोण हुंदे इक, ते इहनूं इत्थे मिलाया ते इहदे इस एंड पॉइंट ते वी ये कोण बन गया, ठीक है। ए कोण इहदा वी लागमा आ, ए कोण इहदा वी लागमा आ, ठीक है। सिर्फ एक ओपोजिट एंगल बचदा आ जिहड़ा लागमा नहीं हुंदा, ठीक। इहनां दे विचों असीं कोई भी कोण लै सकदे आ। मतलब ए दा डी वी लागमी कोण है, एडजेसेंट एंगल आ। ए एंड बी आर आलसो एडजेसेंट एंगल, ठीक है। सो ये साढ़े लागमी कोण, सानूं हुण समझ आने चाहिए आ कि साढ़े लागमी कोण जिहड़े आ ये किहड़े हुंदे आ। ते दूजी प्रॉपर्टी हैगी है कि जिहड़े लागमी कोण हुंदे आ ना, उहनां दा जोड़ 180 डिग्री हुंदा। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स दा सम 180 डिग्री हुंदा। मतलब जे ए कोण ते ए कोण असीं लै लईए, सपोज कर लैंदे आ कि कोण ए ते कोण डी है, एक 3x है ते एक 2x हैगा, ठीक है। लागमी कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा आ, हुणे दस्सिया मैं, लागमी कोणां दा जोड़ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ते लागमी कोणां जोड़ लईए फिर, इसलिए 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 3 × 2 = 5x हो गए, 5x बराबर 180 डिग्री। तो x कितने बराबर आ गया, 180/5, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 18, 5 × 6 = 30, x साढ़ा आ गया 36 डिग्री, ठीक है। x कितना आ गया, 36 डिग्री। हुण असीं इत्थों एंगल देख लईए, एंगल की बनूगा साढ़ा, पहला एंगल 3x इज इक्वल टू किन्ना होएगा, 3 × 3 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 36 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ x ਸਾਡਾ 36 ਡਿਗਰੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ, 3 × 6 = 18, 1 3 × 3 = 9 ਤੇ 1 10, 108 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 108 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤੇ 2x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 × 36, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 72 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 36 × 72
बहत्तर डिग्री का, यह दूसरा कोण साडा कितना हो गया बहत्तर डिग्री का। हुण उहने कहा सारे एंगल पता करो चतुर्भुज के, सारे कोण पता करने असीं चतुर्भुज के सारे कोण पता करने, तो सानू पता है कि सन्मुख कोण बराबर होंगे चतुर समान अंत चतुर्भुज आ, तो वो सन्मुख कोण बराबर होने अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो फिर बाकी कोण दोनों कोण कि हो जाएंगे, ये भी बहत्तर का हो जाए ना, एक कि रहना 108 डिग्री का, ठीक है। इसलिए समान अंत चतुर्भुज के कोण सौ अठ डिग्री, बहत्तर डिग्री, फिर 108 डिग्री, फिर 72 डिग्री, कितने होना ना 108 72 108 72, ठीक है। सो ये साडा क्वेश्चन हो गया। हुण असीं इंग्लिश मीडियम च भी करना इहनूं, है ना, क्योंकि साडी क्लास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं तो उन्होंने भी देखना कि साडे मैडम ने सानूं तां कुछ कराया नहीं, है ना। चलो फिर असीं उन्होंने भी कुछ कर लईए, दोबारा चतुर्भुज बना लैंदे आ। क्वाड्रिलेटरल असी जी पैलोग्राम जी असी दोबारा बना लिया, ना है इट्स नेम इज ए बी सी डी, इट्स गिवन दैट द रेशियो ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 3:2, सो लेट वन एंगल ऑफ द पैलोग्राम, इदा भी लिख लीजिए पैलोग्राम न इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अदर एंगल इज इक्वल टू 2x, वी नो दैट सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, ये कट के आया साडा 36 डिग्री, ओके। तो फिर हम असं कर लें 3x, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 3 × 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 3 × 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। द एंगल्स ऑफ द पैलोग्राम आर 108, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री, ठीक है। इतने खड़े ना जे 108 ए आ ते इहदा ऑपोजिट एंगल भी इहदे इक्वल होना, ठीक है। इत्थे सानू लिख लेना चाहिदा सी, है ना, ऑपोजिट, इतने एक लाइन लिख लेनी, ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैलोग्राम आर इक्वल, द एंगल्स ऑफ द पैलोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैलोग्राम are equal, therefore the angles are 108 degree, 72 degree, 108 degree and 72 degree, okay। So ये साडा fifth question भी हो गया, next question लिए फिर मिलते हैं, okay, bye।